सिंधी पंजाबी आप लोगों को दोनों ही मिल सिखाने वाले फ्रेंड्स। ये रहा मेरा फाइनली पूरा रुक अभी हमारे साथ पास है सिर्फ एक घंटा और फ्रेंड्स ये इसका फ्रेंड्स का लुक है। हम लोग तो बहुत ही मजे मजे और मजे में, उम्मीद है आप लोग भी मजे मजे और मजे में होंगे। सो फ्रेंड्स आज जो है हमारे यहाँ दो इवेंट्स हैं, तीन। पहले आज शाइब का स्पोर्ट्स डे जो कि होता था हमारे UBL में, मगर अब जो है वो हमारे यही होता है मैदान में, स्कूल का जो ग्राउंड है। हाँ, हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है ना वो वही होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ पार्टिसिपेट करो, ये आपको बताएगा शारब। फ्रेंड्स हमारी जो एक थीम है वो पूरी थीम है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिमनास्टिक, टाइकांडो, एरोबिक्स और क्वायर्स, ऐसी बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं सिलेक्ट हुआ हूँ थीम में, और थीम में है सिंधी पंजाबी और बस थोड़े वो तो दो तीन हैं, बस अभी मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहे, अभी थोड़े बहुत हैं। और फ्रेंड्स आपको पता है मैंने इनमें से किस में सिलेक्ट किया है, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ पंजाबी में। और फ्रेंड पंजाबी में पता है क्या है, पंजाबी में है कुर्ता, कोटी, धोती और पगड़ी, और वो अभी मैं थोड़ी देर पहन के चले जाऊंगा। और दीदी आप सेकेंड इवेंट बताएं, और मैं थी उससे पहले क्या है, और उससे पहले मैं ठीक 4 बजे निकल जाऊंगा उसके लिए, और जो हमारे पेरेंट्स वो 4:30 बजे वहाँ पे आएंगे। और दीदी अब आप सेकंड इवेंट के बारे में बताएं। सेकंड इवेंट जो है वो है हमारी बर्थडे, हमारी नहीं मतलब हमारी याया बतूल जी जो है वो बर्थडे, याया मीन जायरा की बर्थडे है, तो वो भी जो है बस रात में ही मतलब ये लोग आएंगे, रेडी होंगे फिर वापस सोने तक आएंगे। मैं वहाँ जाऊंगी अभी 2-3 बजे तक, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है, बलून वलून जैसे आप लोगों को पता है डेकोरेशन करनी है, फिर उसके बाद मैं 4 बजे ट्यूशन जाऊंगी, मतलब मैं पहले वहाँ जाऊंगी फिर वहाँ से वापस आऊंगी, ट्यूशन जाना है मैंने, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं रेडी होंगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगी, और ये लोग जब तक वहीं होंगे स्पोर्ट्स वगैरह में मम्मा आएंगे फिर वो लोग वहाँ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रही है। सो बस अभी जो है मैं रेडी होने वाली हूँ फिर मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी अभी बज रहा है 1:30 और अब मुझे जाना है, मैं बस रेडी होने वाली हूँ फिर मैं जाऊंगी सोने तक। यहाँ बाय बाय, आप लोग जो है हमारे साथ रहेगा। आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है, हम लोग आप लोगों को दोनों इवेंट दिखाने वाले। ओ मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल ही गई कि हम लोगों ने जो है याया बतूल के लिए गिफ्ट भी लिया है, और हमने छोटा सा क्लिप बनाया था ताकि हम लोग आप लोगों को दिखा सके हम कि हम लोगों ने क्या लिया है। वैसे तो हम लोगों ने एक स्टोरेज क्या बोलेंगे, अभी हम आपको क्यों बताया बस बता रही है, स्टोरेज है रेड कलर का, ये भी बता दिए। अब जो है वो रैप कर रहे थे ना, जब हम रैप कर रहे थे तो हम लोगों ने क्लिप बनाया था, तो वो अब जाए और आप लोग देखें। फ्रेंड फाइनली जायर की बर्थडे का गिफ्ट आ चुका है, आज रात दादा और मैं जो है वो गए थे जायरा का ये गिफ्ट लेने, स्टोरेज बैग है जिसमें बच्चों का टॉयज कपड़े थोड़े बहुत चीजें तो आ ही जाती है, तो हम इसको ये गिफ्ट करेंगे। और इसके फ्रेंड्स ये इसका फ्रेंड्स का लुक है, कैसी सिंपल है, और अभी जो मम्मा इसको पूरा रैपिंग रैप करेंगे देखिए, और जब ये रैप हो जाएगा जब वो आपसे मिलते हैं। बस अभी बहुत मजा आने वाला है, याया बतूल की बर्थडे केक सेलिब्रेशन पे गिफ्ट खुलेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ये व्लॉग बहुत धमाकेदार जाने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड ही रहेगा। फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनली पूरा रुक, आप लोग देख लो धोती। और फ्रेंड्स अब वहाँ पे जाके अपनी रेड कलर की वहाँ पे
टी शर्ट पहनूंगा ये वाली, मैं व्हाइट उतार दूंगा क्या इसके ऊपर ही पहन लूंगा और आप लोग मेरा वहां पे देखिएगा डांस भंगड़ा। तो फ्रेंड मैं फाइनली पूरा रेडी हो चुका हूँ और अब मैं अपने बाबा के साथ जा रहा हूँ अपने स्कूल और वहां पे हम आपके साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मम्मा लोग बिल्कुल फिक्स टाइम पे पहुंच गए थे, मगर आप लोग यहाँ भी अभी देख ही सकते हैं कितना क्राउड है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कितने लोग पीपल्स जो हैं वो अंदर हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, द डेकोरेशन वॉज अमेजिंग, आप लोग देख ही सकते हैं कि एंट्री में ही इतना प्यारा सजाया हुआ था कि बस। और अब यहाँ पे आप लोग देखें कि कितना क्राउड है, कितना क्राउड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे स्कूल की मैडम ARY वालों को इंटरव्यू देते हुए। सो फ्रेंड्स, इस टैकोंडो में जो है वो मंतशा भी थी और यहाँ पे जो है आप लोग देख ही सकते हैं कि मंतशा भी खड़ी हुई है और ये उसकी परफॉर्मेंस हो रही है। Well done, what a perfect balance.
दिखाओ करीब से दिखाओ। सो फ्रेंड फाइनली हम अपने स्पोर्ट्स डे से आ चुके हैं और फ्रेंड आपको पता है स्पोर्ट्स डे का विनर कौन है? हमारा ब्लू हाउस। और फ्रेंड्स एक हमारी क्लास की बच्ची है लाइबा, उसने ये जिताया है। और अब हम लोग आ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं और हमारे और ये देखिए मेरी मूछ। और अभी हमारे साथ पास है सिर्फ एक घंटा और एक घंटे में भी रेडी हो के जायरा की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो चलिए चलते हैं।